डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि बेसिकली DFA, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक के हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स एंड फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है। बेसिक्स से शुरू करेंगे। नंबर्स जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। एंड नंबर्स जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। सिंपल एज दैट, इजी पीसी, राइट। अब जो DFA होता है ना, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट DFA इज रिप्रेजेंटेड बाय एन मैथमेटिकल मॉडल, या तुम इसको टपल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब तुम्हें एक DFA का क्वेश्चन मिलता है, अगर तुमने इन 5 एलिमेंट्स के वैल्यूज निकाल दिए तो समझ जाने का वो प्रॉब्लम तुम बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकोगे, राइट। अभी हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम फ्रॉम स्क्रैच चालू करेंगे सॉल्व करना। क्या प्रॉब्लम है? डिज़ाइन DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ इवन जीरोज एंड ऑड वंस ओवर समेशन ऑफ 0, 1। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा DFA बनाना है, या हमें एक ऐसा DFA डिज़ाइन करना है जो एक ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो विच स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1 एंड दैट स्ट्रिंग शुड कंटेन इवन जीरोज एंड ऑड वंस। फॉर एग्जाम्पल 0, 0, 1, 1, 1। अब ऐसे स्ट्रिंग को हमारा DFA एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1 एंड दिस स्ट्रिंग हैज इवन नंबर ऑफ जीरोज। देखो, 2 जीरोज है, 2 क्या है? इवन नंबर है, राइट। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज है और ऑड नंबर ऑफ वंस है, 3 वंस है, तो 3 क्या ऑड नंबर है, राइट। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज है और ऑड नंबर ऑफ वंस है, और इसीलिए हमारा जो DFA है वो ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिकली ऐसा DFA हमें डिजाइन करना है। तो कैसे डिजाइन करेंगे? इसको फॉलो करेंगे तो डिजाइन हो जाएगा। चलो, सबसे पहला एलिमेंट इज क्यू। क्यू का मतलब है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब वो सारे के सारे मोड्स जिसमें एक मशीन काम कर सकता है। अब स्टेट्स कैसे निकालते हैं? अगर तुम्हें स्टेट्स निकालने हैं तो ऐसा करने के लिए तुम्हें जो क्वेश्चन होता है उसको 2 क्वेश्चंस पूछने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज कि ऐसा कब होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। दूसरा क्वेश्चन इज कि क्या हमेशा ऐसा होगा? इस क्वेश्चन के जो आंसर्स निकलते हैं वो हमारे बाकी के स्टेट्स होते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। डिजाइन DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ इवन जीरोज एंड ऑड वंस ओवर समेशन ऑफ 0, 1। सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, ऐसा कब होगा? मतलब अगर सपोज हमें एक स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, तो कब हम कह सकते हैं कि दैट स्ट्रिंग हैज इवन जीरोज एंड ऑड वंस? कब हम ये कह सकते हैं? ऐसा हम तब कह सकते हैं जब उस स्ट्रिंग के अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे और ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। सिंपल एज दैट। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज और ऑड नंबर ऑफ वंस, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसीलिए हमें हमारा पहला स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट मिल चुका है, विच इज QEO। QEO मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोज और ऑड नंबर ऑफ वंस, ये हमारा फाइनल स्टेट है। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे। मुझे पता है आपके मन में कुछ डाउट्स है, सॉल्व हो जाएंगे, रिलैक्स, टेंशन मत लो, चिल, इजी पीजी। अब हम बाकी की स्टेट्स निकालते हैं। प्रोसेस को स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन रीड करो। डिजाइन DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ इवन जीरोज एंड ऑड वंस ओवर समेशन ऑफ 0, 1। सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कब होगा? अगर हमें एक ऐसा स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, तो कब हम ये कह सकते हैं कि दैट स्ट्रिंग हैज इवन नंबर ऑफ जीरोज और ऑड नंबर ऑफ वंस? ऐसा हम कब कह सकते हैं? ऐसा हम तब कह सकते हैं जब उसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे और ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। सिंपल एज दैट। तो इवन जीरोज और ऑड वंस, ये हमारा आंसर था, इसलिए हमने यहाँ पे QEO लिख दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज कि क्या हमेशा ऐसा होगा? मतलब अगर हमें एक ऐसा स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, तो क्या हमेशा उस स्ट्रिंग के अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज और ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे? एंड द आंसर इज नो। तो बाकी के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या बाकी के पॉसिबिलिटीज है? उसके अंदर इवन जीरोज और इवन वंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर और जीरोज और ऑड वंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर और जीरोज और इवन वंस भी तो हो सकते हैं, राइट।
तो ये बाकी के पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये जितनी भी बाकी के पॉसिबिलिटीज़ है वो हमारे बाकी के स्टेट्स होंगे, राइट। तो क्या है बाकी की पॉसिबिलिटीज़? क्यू ई ई है, मतलब इवन ज़ीरो इवन वन है। क्यू ओ ई है, मतलब ऑड ज़ीरोज़ और इवन वंस है। और क्यू ओ ओ है, मतलब ऑड ज़ीरो और ऑड वन है, राइट। तो ये हमारे बाकी के स्टेट्स होंगे। एंड यहाँ पे मैंने एक जगह छोड़ी है, दिस जगह है इज़ फॉर स्टार्ट स्टेट। कोई भी मशीन जब हम ऑन करते हैं तब वो तुरंत ऑन नहीं हो जाती, थोड़ा सा टाइम लेती है। तो उस टाइम में जिस स्टेट में वो मशीन होती है उस स्टेट को हम कहते हैं स्टार्ट स्टेट। यहाँ पे स्टार्ट स्टेट लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि हर मशीन का स्टार्ट स्टेट होता ही है। एंड वन मोर थिंग, ये जो बाकी के स्टेट्स हमने लिखे हैं या ये जो हमारे चार स्टेट्स है स्टार्ट स्टेट को छोड़ के, इन स्टेट्स के अलावा और कोई स्टेट्स है ही नहीं। लाइक अगर सपोज हमें एक स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन, तो उसके अंदर इवन जीरोस इवन वंस हो सकते हैं, इवन जीरोस ऑड वंस हो सकते हैं, ऑड जीरोस ऑड वंस हो सकते हैं, और ऑड जीरोस इवन वन हो सकते हैं। यही चार पॉसिबिलिटीज है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। मतलब अगर इस दायरे में रहकर हमने देखा तो, क्वेश्चन के दायरे में रहकर अगर हमने देखा तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हमारे स्टेट्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्यू के जो जितने भी पॉसिबल स्टेट्स थे वो सारे के सारे स्टेट्स निकाल दिए। एंड यहाँ पे लिखो कि इन सब का मतलब क्या है, मतलब क्यू एस का मतलब क्या है स्टार्ट स्टेट। यहाँ पे लिखो क्यू एस इज इक्वल टू स्टार्ट स्टेट। क्यू ई ओ का मतलब क्या है, इवन जीरोज और ऑड वंस, तो यहाँ पे लिखो। क्यू ई का मतलब क्या है, इवन जीरो और इवन वन, यहाँ पे लिखो ताकि सामने वाले इंसान को पता चल सके। तो यहाँ पे मैंने अब लिख दिया है, ठीक है। तो या ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका मतलब क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स। जो इनपुट होता है ना वो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ढाप लेंगे हम लोग, 0.1 खत्म। नेक्स्ट इज डेल्टा। डेल्टा मतलब ट्रांजिशन फंक्शन, जो ये होता है इसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद है क्यू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो मतलब स्टार्ट स्टेट। अब हमारा स्टार्ट स्टेट क्या है, क्यू एस, तो यहाँ पे हम क्यू एस लिख देंगे। उसके बाद फाइनल स्टेट यानी कि एफ, हमारा फाइनल स्टेट क्या है, क्यू ई ओ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो गया हमारा। सेकेंड नंबर के स्टेप के ऊपर जम करते हैं विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन। अभी इसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मशीन स्टेट क्यू में है और अगर हम इनपुट सिग्मा देते हैं तो मशीन किस स्टेट में जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब ये हमारा ट्रांजिशन टेबल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो सिग्मा है इसका मतलब इनपुट होता है और ये जो क्यू होता है उसका मतलब स्टेट होता है। तो यहाँ पे सिग्मा है तो इसलिए जितने भी इनपुट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कितने इनपुट्स है, दो इनपुट्स है, जीरो एंड वन, तो यहाँ पे जीरो एंड वन लिखा जाएगा। और ये स्टेट है तो जितने भी स्टेट्स हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जितने भी स्टेट्स हैं क्यू एस, क्यू ई ओ जो हमारा फाइनल स्टेट है, और क्यू ई ई, क्यू ओ ई और क्यू ओ ओ, अब जितने भी स्टेट्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसे आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। क्यू ओ ओ इसका मतलब ये है कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग था जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरोस थे और ऑड नंबर ऑफ वंस थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.1, लेट्स से मशीन के पास ये स्ट्रिंग था क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है और ऑड नंबर ऑफ वन है, ठीक है। अब ऊपर से टपकता है जीरो, मशीन के पास ऑलरेडी ये था और ऊपर से टपका जीरो, तो अभी क्या हो गया, दो जीरोज हो गए और एक वन हो गया, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरो हो गए और ऑड नंबर ऑफ वन हो गया, इवन नंबर ऑफ जीरो और ऑड नंबर ऑफ वन, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे क्यू ई ओ। अब फिर से करते हैं फॉर नेक्स्ट ब्लॉक। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग था जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरो थे और ऑड नंबर ऑफ वन थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.1, और ऊपर से टपकता है वन, ठीक है, ऊपर से टपका वन। अब क्या है, अब बस एक जीरो है और दो वन है, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो है और इवन नंबर ऑफ वन है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्यू ओ ई, राइट। फिर से करते हैं फॉर दिस। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरो है और इवन नंबर ऑफ वन है,
मशीन के पास एक ऐसा स्ट्रिंग ऑलरेडी है जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है और इवन नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। ऊपर से टपकता है जीरो, तो अभी इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस हो गए, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे क्यू ई ई, मतलब दो जीरो और दो वन हो गया ना, तो इवन नंबर ऑफ जीरो और इवन नंबर ऑफ वन हो गए, सिंपल एज दैट, और इसलिए हमने यहां पे लिखा क्यू ई। अगेन मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है और इवन नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है और इवन नंबर ऑफ वंस है, और ऊपर से टपकता है वन, तो अभी क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ जीरो हो गए और ऑड नंबर ऑफ वंस हो गए, ठीक है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे क्यू ओ ओ। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज है और इवन नंबर ऑफ वंस है, मशीन के पास एक ऑलरेडी ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज है और इवन नंबर ऑफ वंस है, ऊपर से टपकता है जीरो, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो गए और इवन नंबर ऑफ वंस हो गए, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे क्यू ओ ई। इवन जीरो इवन वन, इवन जीरो इवन वन, ऊपर से टपका वन, तो अभी क्या हो गया, इवन जीरो और ऑड वन, इवन जीरो ऑड वन, ठीक है। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज है और ऑड नंबर ऑफ वंस है, ऊपर से टपकता है जीरो, तो अभी क्या हो गया, ऑड जीरो और ऑड वंस हो गए, तो क्यू ओ ओ। मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर है, स्ट्रिंग है, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज है और ऑड नंबर ऑफ वंस है, ऊपर से टपका वन, तो अभी क्या हो गया, इवन जीरो और इवन वन हो गए, राइट, तो इसलिए क्यू ई ई। अभी ध्यान से देखो, मशीन जो है वो स्टार्ट स्टेट में है, स्टार्ट स्टेट मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से टपकता है जीरो, मतलब अब मशीन के पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो अभी कितने जीरोज है, एक ही जीरो है, राइट, तो अभी एक क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ऑड जीरोज, क्यू ओ ऑड जीरोज, और कितने वंस है, जीरो वंस है, राइट, जीरो क्या है, जीरो इवन नंबर है, तो इवन वंस, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब मशीन अगेन स्टार्ट स्टेट में, मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से टपकता है वन, ठीक है, तो अभी मशीन के पास बस वन है, तो कितने जीरो है, कितने नंबर ऑफ जीरोज है, जीरो नंबर ऑफ जीरोज है, जीरो क्या है, इवन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई, इवन नंबर ऑफ जीरोज है और बस एक वन है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ वंस, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओ, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल बन चुका है, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे दो स्टेप्स है। नाउ स्टेप नंबर थ्री के ऊपर जंप करने से पहले देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इवन जीरोज ऑड वंस था, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इवन रब करके यहाँ पे बस ऑड लिख रहा हूँ और ऑड रब करके यहाँ पे बस इवन लिख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फोटोज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो मैं अपने तरफ से तुम्हें अपने नोट्स के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ, राइट। अब स्टेप नंबर थ्री के ऊपर जंप किया जाएगा, स्टेप नंबर थ्री के अंदर हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को हमने लिख दिया है, थोड़ा दूर लिखना ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। क्यू एस टू क्यू ओ ई, क्यू एस टू क्यू ओ ई, क्यू एस टू क्यू ओ ई, क्यू एस टू क्यू ओ ई क्या है, जीरो, देन क्यू एस टू क्यू ई ओ, क्यू एस टू क्यू ई ओ, व्हाट द हेल इज दैट, वन, देन उसके बाद क्यू ई ओ टू क्यू ओ ओ, क्यू ई ओ टू क्यू ओ ओ क्या है, जीरो, क्यू ई ओ टू क्यू ई ई, क्यू ई ओ टू क्यू ई ई, सॉरी वन, माय बैड, राइट, देन उसके बाद क्यू ई टू क्यू ओ ई, क्यू ई ई टू क्यू ओ ई क्या है, क्यू ई टू क्यू ओ ई जीरो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा जीरो, देन उसके बाद क्यू ई टू क्यू ई ओ, क्यू ई टू क्यू ई ओ, ठीक है, क्यू ई टू क्यू ई ओ वन है, वन लिखेंगे। एग्जाम में ऐसा गिचड़ विचड़ मत करना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्केल की मदद से, ओके, वो ज़्यादा बेटर है। क्यू ओ ई टू क्यू ई, क्यू ओ ई टू क्यू ई ई,
क्यू ओ ई टू क्यू ई जीरो है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जीरो। क्यू ओ ई टू क्यू ओ, क्यू ओ ई टू क्यू ओ, क्यू ओ ई टू क्यू ओ सॉरी वन है, ओके माई बैड सॉरी फॉर दैट। क्यू ओ टू क्यू ई ओ, क्यू ओ टू क्यू ई ओ, क्यू ओ टू क्यू ई ओ जीरो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो। क्यू ओ टू क्यू ओ ई वन, क्यू ओ टू क्यू ओ ई वन, ठीक है। हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन चुका है, अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। सो कैसे चेक करेंगे? एक ऐसा स्ट्रिंग लो विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन, एंड दैट स्ट्रिंग शुड कंटेन इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वन, जैसे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग लो, यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि बेसिकली उस स्ट्रिंग के आखिरी में जो फाइनल स्टेट है हमारा विच इज क्यू ई ओ वो आना चाहिए। अगर आया तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। देखो ये हमारा स्टेप नंबर फोर है बाय द वे, ठीक है। हम हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं, यही स्ट्रिंग ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि हमारा डी एफ ई ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए, यही ले लेते हैं जीरो जीरो वन वन वन, ठीक है। क्यू एस अंदर जाएगा जीरो और बाहर बचेंगे ये बाकी के सारे लोग। उसके बाद क्यू एस का जीरो, क्यू एस का जीरो, क्यू ओ ई अंदर जाएगा जीरो, बाहर बचेगा वन वन वन, तो क्यू ओ ई का जीरो, क्यू ओ ई का जीरो दैट इज क्यू ई ई, क्यू ओ ई का जीरो क्यू ई, ठीक है। अंदर जाएगा वन, बाहर बचेगा वन वन, क्यू ई का वन दैट इज क्यू ई ओ, दैट इज क्यू ई ओ अंदर जाएगा वन, बाहर बचेगा वन, क्यू ई ओ का वन, क्यू ई ओ का वन दैट इज क्यू ई, क्यू ई ई अंदर जाएगा वन, बाहर कुछ नहीं बचेगा, क्यू ई का वन, क्यू ई का वन दैट इज क्यू ई ओ, क्यू ई ओ मतलब एक्सेप्टेड, क्योंकि ई ओ जो है वो हमारा फाइनल स्टेट है, ओके एक्सेप्टेड आ चुका है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।